हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो होपफुली योर प्रिपरेशन, योर रिवीजन प्रोसेस इज गोइंग वेरी वेल। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी इज वेरी नियर नाउ। 18 जुलाई बड़े नज़दीक आ रहा है। लेस देन 20 डेज आर लेफ्ट। तो इस दौरान देखिए, जो भी आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, जैसे कुछ कहते हैं ना ऋणात्मक, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कंप्लीट नहीं हो पाए रिवीजन, या क्वेश्चन नहीं कर पाए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसमें जनरली कहा जाता है बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अब सवाल यह है कि ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाया जाए, तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है? तो आज का एक छोटा सा डिस्कशन इसी बारे में रखा मैंने, जनरल सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए जरा डिस्कशन शुरू करते हैं। माइंड इंट्रोडक्शन, कैसे फीस XIES, बीटेक ऑनर्स फ्रॉम व्हाइट रूड की इन ईयर 2000, IES 5 टाइम्स, बेस्ट परफॉर्मेंस रैंक 2, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स, द इंस्टीट्यूट आई एम रनिंग सिंस ईयर 2009, इंजीनियर जोन ई लर्निंग के नाम से, पब्लिकेशन वी हैव स्टार्टेड इन ईयर 2012, अंडर दिस बैनर माई ओन रिटन बुक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ की बुक्स अभी। ये देखो, जैसे नेटवर्क, एनालॉग, मशीन, पावर सिस्टम, मैथ, लगभग सभी सब्जेक्ट ये प्रीवियस ईयर, थ्योरी कवर प्रीवियस ईयर अनसोल्ड, ये हमारा एड्रेस, सिविल मैकेनिकल का मैट्रिक। देखो जैसे कि ये अन अकेडमी कॉम्बैट, कल भी एग्जाम हो चुका है, अब नेक्स्ट संडे रहेगा लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन फॉर गेट। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों से जितना मेरा डिस्कशन हुआ है, एंड आप लोग अन अकेडमी कॉम्बैट में अपेयर हो रहे हैं, कई स्टूडेंट ने बताया था कि बड़े अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं इसमें, कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। तो एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे कि लास्ट टाइम है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज पे थोड़ा अलग तरीके से फोकस करें। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिवली अपना रिवीजन आपका चल रहा है, साथ साथ कुछ जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो जरूर दें। टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, तो आपको एक उससे मॉरल बूस्ट मिलेगा। तो खैर देखो, इसमें जैसे कि नए क्वेश्चन बनाए गए हैं बाय टॉप एजुकेटर्स, 1 आर का है बस ये, अदरवाइज बिल्कुल मिनी गेट, ऑल इंडिया रैंक कंपेयर कर सकते हैं आप, लाइव लीडर बोर्ड पर वीडियो सॉल्यूशन, इसमें रेफरल कोड हमारा सेम है। ये प्राइजेस रैंक 1 टू 3, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री, रैंक 4 टू 10 75% ऑफ किसी भी सब्सक्रिप्शन, रैंक 11 टू 50 50%, या 25 बीट द प्राइस हाइक जस्ट 2 डेज। देखो जुलाई से जैसे कि प्राइस हाइक होना है, तो आप लोगों में से नए स्टूडेंट, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं अकेडमी प्लस पर, सो दिस इज द राइट टाइम, बीट द प्राइस हाइक। नई फीचर डिजिटल नोट्स, ये न्यू बैचेस की इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लक्षण आरोहन, 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर लें हमारा रेफरल कोड आप ही। ये प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये फी की डिटेल, ये टॉपर्स की लिस्ट। अब बात करते हैं आज के बारे में, आज का टॉपिक ESC प्रीलिमिनरी 2021। 18th of July। देखो जैसे कि इसमें बात की थी हमने पॉजिटिव माइंडसेट की, पॉजिटिव माइंडसेट, सवाल यही है कहां से आता है। लेट अस सी। देखो जैसे कि आपने सुना होगा क्रिकेट में भी, बिकॉज बीइंग इंडियन क्रिकेट को लेकर हम काफी कुछ जानते हैं, बहुत कुछ एनालाइज करते हैं हम,
उसमें जैसे कि बड़े मैच से पहले खास तौर से कैप्टन्स का स्टेटमेंट ये होता है कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, वी हैव टू प्ले अ नेचुरल गेम। एक ये जो स्टेटमेंट है, मैं इसको भी उठाना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा वी हैव टू प्ले अ नेचुरल गेम, ये नेचुरल गेम से मतलब क्या है? ठीक है ना, देखो नेचुरल गेम प्ले करने का मतलब ये होता है आप लोगों के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आप ऐसे ही बैठे हो अपने रूम में, आपसे कहा जाए कि भाई ये क्वेश्चन जरा सोल्व करो, आप उसे सोल्व कर दोगे अपनी इंस्टिंक्ट लगाकर, अपनी स्किल जो भी आपने तैयारी की है। लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह सोल्व करते हो या कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, उसमें यही होता है कि जो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट है बिल्कुल उसी तरह वहां भी सोल्व करना है। ये नहीं कि वहां कुछ आप ज्यादा सोचने लग जाओ कि नहीं अब एग्जाम है इस तरह नहीं इस तरह करूं, आप जानते हो कि क्वेश्चन ऐसे करना है तो एज इट इज करके निकल जाओ। अब ये नहीं है कि आप उसमें सोचो मैंने इस तरीके से तो कर लिया, इसे दूसरे मेथड से भी चेक करूं क्या। कई बार हो जाता है जैसे एक क्वेश्चन के तीन चार मेथड हो जाते हैं, दो मेथड है सपोज, आपने शॉर्टकट मेथड से करके निकल गए बड़े कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक बार इसका आंसर चेक कर लूं लंबे मेथड से भी, फिर आप ऐसे सोचते हो, ये गड़बड़ करते हैं। तो नेचुरल गेम का मतलब है कि जैसे आप एग्जाम से अलग परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो चीजों को डिफिकल्ट मत बनाओ। पॉजिटिव माइंडसेट भी इसी तरह एडजस्ट होता है कि भाई आपने इतने टेस्ट पेपर दिए हैं, इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वो अलग बात है। मैंने कहना उन एकेडमी कॉम्बेट का टेस्ट में आपकी हमेशा टॉप 5 में आए हो, भाई आपने अच्छा खासा स्कोर किया है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई काम तो आ रही है, आप स्कोर तो कर ही रहे हो, तो यही पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाओ कि वहां भी स्कोर हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यही होता है कि ये मानकर चला जाए कि ठीक है वहां भी मैं इतना क्वेश्चन तो कर ही लूंगा। अगर ये सोचते हो कि पता नहीं सारे क्वेश्चन नहीं तो नहीं आ गए, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, अगर कभी कभी ये सोच बन जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां, तो मेरा नंबर कब आएगा, है ना, इतने कम सीट्स हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स कम है ईएस में, ये भी इसलिए भी एक पिछले साल से जब से रेलवे हटा है सीटें बहुत कम हुई हैं। आप लोगों के माइंडसेट पे बड़ा कहता है ना, बड़ा इंपल्स, बड़ा आघात लगाया है कि मतलब मॉरल डाउन ही कर दिया। वो ऑब्वियसली बात कुछ हद तक सही है, कि कुछ हद तक सही मतलब यह है कि इससे डिमोरलाइज होता है, हर कोई डिमोरलाइज होता है। हमें भी लगता था कि भाई वैकेंसी कम है, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करें, क्या चीजें हैं, लेकिन देखो ये सारी बातें अब हैं बाद की। बाद के मतलब अब तो आप आगे बढ़ चुके, एग्जाम की तैयारी कर चुके, अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो अब तो आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज। मैंने आपको जो टारगेट दिया था कि भाई आप ये मानो टेक्निकल पेपर है, जैसे मैं टेक्निकल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 150 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स हैं, क्यों ऐसा मान के चल रहे हो पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा। पहले आप जितने क्वेश्चन जानते हो वो तो कर लो, ये तो मान कर चलो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई 150 में से 80 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे मैं हर पेपर में बना ही देता हूँ, आसान रहते हैं, आपको एक मतलब ये सीए उसमें एश्योरेंस मिलता है अपने हिसाब से कि 80 क्वेश्चन तो मेरे हो ही जाएंगे। वो अलग बात है 80 क्वेश्चन तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, अनटिल कट ऑफ कम जाए जी ऐसे बहुत बड़ा है, मैं भी मानना हूं इस बात को, 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन आप एक माइंडसेट ये रखो पॉजिटिव कि 80 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, भाई बाकी बचे 70, 70 में से देखते हैं 20 25 30 कितना क्वेश्चन हम और उठा पाए, उसके बारे में स्ट्रगल करेंगे थोड़ा, होपफुली प्रोबेबिलिटी लगाए कुछ तो क्वेश्चन बाकी में से करके आएंगे। जहां आप 100 के आसपास जाओगे तो बहुत बढ़िया स्कोर आपका होने लगेगा। तो सिर्फ एक बैरियर यह है कि 80 तक आप आ पा रहे हो,
ये मैं इसलिए 80 का डेटा लिखा मैंने अपनी तरफ से नहीं, आप लोगों से ही, जैसे कि स्पेशल क्लासेस में यूट्यूब सेशन में बात हुई तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि 160-170 नंबर तक तो आ जाते हैं, 80-85 क्वेश्चन तो बना रहे लगभग इतने, तो ये डेटा ज़्यादातर लोगों ने दिया कि इतने तो आसानी से बन जाते हैं, बाकी में ज़रा डर लगता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए पॉजिटिव माइंड सेट वाली बात है भाई। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, ये स्टेटमेंट था फॉर्मर कैप्टन MS धोनी का, क्या कहते थे ध्यान होगा आपके तो, कि जब गेम क्रूशल स्टेज में हो, खासतौर से इंडिया दूसरी बैटिंग कर रही हो, बेस्ट फिनिशर इसीलिए नहीं कहा जाता, बेस्ट फिनिशर एवर, कि गेम को अंजाम तक ले जाए, कई मैच जिताई भी है बहुत बढ़िया तरीके से। खैर तो क्या कहना था कि किसी भी तरह खेल को आखिरी ओवर तक तो ले जाना है, क्योंकि आखिरी ओवर के बाद कुछ भी हो सकता है। फिर अब उसमें अगर पहले हथियार डाल के बैठ जाओ कि भाई 10 ओवर में है, 9 के एवरेज से 90 रन चाहिए, वनडे क्रिकेट है भाई नहीं होगा, टेस्ट में T20 में चलो आसान होता है थोड़ा ही, कि 60 गेंद में 90 नहीं बनेंगे, विकेट भी कम है ऐसे, तो आपने माइंडसेट देखा MS धोनी क्या था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले खेला जाए, पहले 7-8 ओवर कम से कम जो भी है 6-7 के एवरेज से ही रन बना लो, आखिरी के 3 ओवर में 35 रन भी हुए 40 भी हुए तो सोचा जाएगा उसके बारे में। अगर पहले से ये सोच दो ना कि भाई 9 के एवरेज से तो नहीं बनेंगे, विकेट भी कम है, बॉलिंग मुश्किल हो रही, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, उसमें कई स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले तो ये होता था कि 7-8 ओवर तक विकेट ना दो, हल्के फुल्के रन बना जाओ, 50 रन भी बना लो 7 ओवर में, आखिरी के 3 ओवर में 40 भी शायद बन जाएंगे, मुश्किल बात है लेकिन बन जाएंगे। क्यों, 6-7 ओवर तक पहली बात तो बॉलर को थका के डिमोरलाइज कर दो पोजीशन को, ये डिमोरलाइज हो जाएंगे भाई, विकेट तो नहीं मिलता, अब रन बचाओ, फील्ड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा खुलेगा और रन बनेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जहां हम लोग सोच के बैठते थे कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, मैच गया, लेकिन ऐसे ऐसे कई मैच जिताए होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब केवल एक बात क्रिकेट की गने, उससे भी हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि 80 तक आप स्कोर कर रहे हो, ये पॉजिटिव माइंडसेट है, इसके बाद आप कितना स्कोर करोगे और इसके बाद और कितने स्कोर बनेंगे वो जब देखा जाएगा। अब तो जितनी तैयारी थी हो ही गई, कुछ तो आगे करेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन टफ थोड़ा ही आएंगे। और एक और बात है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ भी गए सारे, बहुत मुश्किल भी पेपर आ गया, तो भाई एक अकेला आपके लिए तो नहीं है, मेरिट तो ओवरऑल डाउन जाएगी, तो अच्छी बात है, फिर तो ओवरऑल डाउन जानी है इसमें। टारगेट आपका क्वेश्चन और स्कोर करने पर है, ये नहीं कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है, अभी सोचना छोड़ दो, ये तो मैं नहीं कहूंगा भूल जाओ, दिमाग से ऐसी बातें कहाँ भूलते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना अभी छोड़ दो। ये एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट रखने का तरीका कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, बाकी कितना स्कोर सही रहेगा, ठीक है ना, आपको कब रिस्क लेना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मैं काफी बात कर चुका आज, मैं ब्रेकअप इतना नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसी तरह जैसे जनरल स्टडी है, देखो जनरल स्टडी की रिवीजन सीरीज भी चल रही है फ्री, और आप लोगों ने बड़ी तारीफ भी की थी, थैंक्स फॉर दैट, कि बड़ा फायदा हो रहा है, स्टूडेंट ने कहा भी था। तो देखो इसके बारे में मैं GS का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ जनरल स्टडी में 2 सब्जेक्ट मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाए भी हैं, इस बार तो मैथमेटिक्स मतलब मटेरियल साइंस इस बार तो पढ़ाने का मौका नहीं मिला था जनरल स्टडी वाला, क्योंकि टाइम बिजी था, टेक्निकल वाला जरूर लिया था मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मतलब फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ बाकी सब्जेक्ट के बारे में मेरी इतनी नॉलेज तो है नहीं, वो एक्सपर्ट्स आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ मैंने आपको जो बताई थी भाई, ये आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लग रहा है स्टूडेंट को कि जनरल स्टडी का पेपर कैसा आ जाए क्या हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मान के चलो देखो GS के जितने थियोरिटिकल टॉपिक है, मैथ और एप्टीट्यूड तो थोड़ा सा अलग हो गया, वो तो उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो अच्छा स्कोर आप लोग कर ही लेंगे होपफुली, और उम्मीद है जरूर करेंगे। हाँ थियोरिटिकल वाले जो पोर्शन है, बाकी के 8 टॉपिक हैं, उसमें मटेरियल साइंस भी थियोरिटिकल है काफी तक, और जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ICT है, इन्वायरमेंट है, ड्रॉइंग है, जितने भी हैं ये SQP है, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस, जितने भी टॉपिक हैं इनमें कई बार क्वेश्चन ऑब्वियसली एब्सर्ड आ जाते हैं। एब्सर्ड का मतलब यह है कि या तो उसे आउट ऑफ सिलेबस बोल दो, या भाई आप ये बोल दो जो चीज़ आपने पढ़नी है वो आपके लिए एब्सर्ड ही है, सीधी सी बात है,
कि क्योंकि जनरल स्टडी के बारे में आप लोग सिर्फ जो है क्लासरूम वाला पढ़ते हो, जरूरी भी है, मैं तो कहता हूँ सब कुछ, कि क्लासरूम से बाहर के लिए तैयारी मत करो। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं क्या होगा, तो यकीन रखो जो होगा सबके साथ होगा, मेरिट होगी ओवरऑल डाउन होगी। तो इसलिए एक तो ये पॉजिटिव माइंड सेट, दूसरा इसमें देखो मैंने आपको जैसे टारगेट दिया था कि जैसे कि लगभग लगभग अगर मानकर चले फॉर एग्जाम्पल 10 टॉपिक हैं, हर एक का वेटेज लगभग सेम मान ले हम, तो इस हिसाब से मैथ और एप्टीट्यूड के 40 नंबर बनते हैं। 2 टॉपिक हो गए 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। तो आप पॉजिटिव अप्रोच यहां से लाए, जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ ये चलो 40 मार्क्स, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाता है 36 ही हो गए, चलिए थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, लोअर साइड में लिख लेते हैं कि चलो हम तो चाह रहे थे कि भाई ये ठीक है ज्यादा है, लेकिन चलो इतना नहीं आ पाया, 36 मार्क्स का आया है। आपकी जो की लाई करेगी, मैंने जैसे आपको बताया था कि सिलेक्शन की वो इस जगह होगी कि इसमें आप जो है 32 मार्क्स ले आओ, पूरे नंबर इसमें स्कोर करने हैं आप। ये आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट देगा, चलो जीएस में और कुछ नहीं, मैथ और एप्टीट्यूड तो आसान आता है, इतना तो कर ही लेंगे। एक आध क्वेश्चन मैथ में थोड़ा सा जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस, कभी पढ़ा नहीं था वो, हमने भी नहीं पढ़ाया था मैथ में, तो वो तो खैर सभी के लिए कॉमन बात है, लेकिन जनरली बन जाते हैं। पिछले 4 साल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है कई बार तो पूरे के पूरे नंबर भी लाए हैं स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चन सही हुए। तो चलो खैर मैंने आपको ये टारगेट दिया है, बाकी इसमें जैसे आपको हमने बताया था कि 100 मार्क्स के आसपास बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 100 मार्क्स आप लेकर आओ बहुत बढ़िया नंबर होते हैं, 100 क्रॉस करना मुश्किल काम है, सेंचुरी कोई कोई किसी किसी की लगती है। तो इसमें जैसे कि जनरल स्टडी के जो एक्सपर्ट है उनका भी कहना था, भाई मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ ऐसे, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी चीज़ें हो सकती हैं, कि 90-95 नंबर आ रहे तो भी बढ़िया है, ऑब्वियसली फिर भी अच्छे हैं। तो चलो मैं 100 नंबर मान लिया, आपका टारगेट है 100 नंबर का, इसमें 100 मार्क्स लाने का, 50 क्वेश्चन हो जाए। अब अगर 32 यहाँ से ला रहे हो, आपको चाहिए 68 मार्क्स, यानी कितना क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 36 यानी 80 क्वेश्चन, कितने बचे 72, 72 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन आपके बचे हैं, 18 मैंने निकाल दिए मैथ के ये सवाल, इसमें से 34 ही तो करने हैं आपको थियोरेटिकल में, 82 में से 34, 50% से भी कम का, 50% से भी कम, मतलब आपको थोड़ा सा कहते हैं ना एक पॉजिटिव माइंडसेट, रिलैक्स करने वाली बात है, कुछ कैलकुलेशन लगाई जाती है इस तरह, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चलते रहते हो कि मैं इतने क्वेश्चन ये कर लूंगा इतने कर लूंगा, तो भाई ठीक है हमारे दिमाग में भी चलती रही जब हम एग्जाम देते थे, खैर ये वाला पैटर्न हमारे एग्जाम में नहीं था, लेकिन मैं तो इसी तरह सोचता था जनरल स्टडी को लेकर इसमें या सिविल सर्विस में भी, कि भाई ये टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है इसमें मैं अच्छा कर लूँ तो बाकी में थोड़ा बहुत हो जाए जितना भी सही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टडी होता था पहले सिविल सर्विस का, आईएएस का प्री में, उसमें क्योंकि जनरली हिस्ट्री वगैरह मुझे वीक लगता था कि मेरा वीक है वो, तो कितने नंबर आएंगे उसमें क्या करो, तो मैं सोचता था चलो ठीक है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 मिल जाएंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ वही बात है, 82 में से अगर 34 आपको स्कोर करने हैं तो बताओ इज इट डिफिकल्ट टास्क, होपफुली नोट, आपने इतनी तैयारी तो की है ना। ये जरूर है कि ये बताया था लोगों ने आप में से कई ने कि एक टॉपिक पूरा छूट गया, किसी ने कहा था मेरा वो एसक्यूपी छूट गया, किसी ने कहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी ने कहा था ड्राइंग छूट गया, तो मैं उसको भी एकोमोडेट करके चल रहा हूँ कि पूरे के पूरे 10 टॉपिक नहीं कवर हैं, और भाई आपने सिर्फ वो किया है जो क्लास में कराया और वही करना भी चाहिए, उसके बाहर मैं भी नहीं कहूँगा। जो टीचर अपनी तरफ से सोच के स्कैन करके बेस्ट आपको प्रोड्यूस करते हैं उस पर यकीन करना भी चाहिए, अपने आप से कहाँ ढूंढोगे आप, वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। अब इसमें अगर आपको 34 आउट ऑफ 82 ये वाले नंबर ही लाने हैं, आधे से कम, तो कहीं ना कहीं से अब तो माइंड सेट आता है कि बन जाएंगे। और ये जब कहा है, जब मैंने आपके लिए पूरा 100 का स्कोर बनाया, और भाई 90 के बाद तो 6 स्कोर होता है, कितना डाउन होगा,
तो तैयारी के हिसाब से है, क्योंकि अब आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई टाइम है अभी इतना पढ़ लो, ये छूट गया तो ये भी पढ़ लो, यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, क्वेश्चन नहीं, नई चीज़ें पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। अब आपको सिर्फ रिविजन करना है, जितना आप पढ़ सकते थे भाई आपने मेहनत की है। जो खास तौर से लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, उनको हमेशा लगता है कि हमने और मेहनत कर ली होती। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने काफ़ी मेहनत कर लिया है, मैं तो बढ़िया किया, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने वाकई में सीरियसली तैयारी की है। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने कम किया, इसका मतलब उन लोगों ने सीरियस तो प्रिपरेशन की है, जी जान लगा के भी की है। जब ये लगता है तो ये भी कुछ चीज़ का साइन है कि आपने बड़ी मेहनत तो की है। पूरा पेपर इस तरह, पूरा सिलेबस तैयार, पूरी तरह कॉन्फिडेंट कोई नहीं जाता एग्जाम में। जहाँ तक बात मैं अपने लेवल की भी करता हूँ, मैं खुद भी अपने बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि IAS मैंने लगातार क्वालिफाई किया 5 टाइम्स अच्छे रैंक से भी। तो अब यह है कि उसमें सिविल सर्विस ठीक है, मैंने फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया मैं सिविल सर्विस में, वो भी एग्ज़ाम दिया था। तो जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग सर्विस की, तो एक पहली बात यार, जो मिलना था बढ़िया रेलवे वगैरह मिल गया। तो अब जैसे कि मुझे एग्जाम देना था, मुझे लगता था कि पहले से सिक्योर हूँ, ठीक है एग्जाम तो दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अलग बात है कि इस तरह आदमी रिलैक्स हो जाए, जिसे लगता है कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है, पहले से ही सिलेक्शन है तो अलग बात है। लेकिन जब पक्का इसलिए जाते हैं जॉब लेनी है, तो भाई फिर डर लगता है, ठीक है ना। और ये डर कुछ हद तक सही भी होता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन भी लेकर आता है कि हाँ मेहनत की है, सीरियस भी बनाता है आपको कि एग्जाम में बैठ कर आपको सीरियसली अपना पेपर करना भी है। अगर डर बिल्कुल नहीं होगा तो भाई बहुत कैजुअल करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। बस ये जरूर है, डर ऐसी चीज है देखो जो साथ में लेकर चलना जरूरी है कि हाँ अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये साथ में तो होना चाहिए, इसीलिए तो आदमी मेहनत करता है फिर डर से बचने के लिए। लेकिन इसको हावी नहीं होने देना अपने आप पे, अपने सिर पे नहीं बिठा लेना है, बस साथ साथ चलाते रहो। साथ साथ चलाते रहोगे, डर की वजह से आप मेहनत करते रहोगे तो डर को पीछे छोड़ दो। लेकिन अगर सिर पे बिठा लिया, भाई कहते हैं ना एक डर है, अगर उसे सिर पे बिठा लिया, आपके सिर पे चढ़ के बैठ गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो वो आपके साथ साथ ही चलेगा। आप कितना भी तेज चलोगे भाई आपके सिर पे बैठा है, लगातार चलता जाएगा साथ में, वो आपको कुछ नहीं करने देगा मुसीबत। साथ साथ चल रहा है तो आप सोच सकते हो तेज निकल कर उसे पीछे छोड़ सकते हो, फिर पीछे छूट सकता है वो। कई बार लेकर चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये साथ में, कि भाई किसी चीज का डर दिखा के ही चला जाता है कि देखो अगर आप मतलब जैसे कि कहते हैं ना, कई बार रेस लगा रहे तो देखो इतना टाइम बचा है, टाइमर ये चल रहा है, अब जल्दी आपको करना है, ये डर दिखाया जाता है कि अब कम टाइम है और कम टाइम है थोड़ा फास्ट, वो मोटिवेट करता है आपको। तो इसलिए हम ये नहीं कहते आपको कि भाई नेगेटिव थॉट्स आते हैं एकदम छोड़ दो खत्म हो जाए, वो शायद नहीं भी कर सकते, तो कोई बात नहीं, बस उसको हावी नहीं होने दो, इतना तो किया जा सकता है। इसके अलावा देखो बाकी की जो चीज़ें हैं आपके इसमें, अब ये लास्ट आज ये समझिए भाई, अगर डेट है 28 तो मुश्किल से 20 डेज हैं, और इसमें बल्कि एक दो दिन मैं कहूँगा आप रेस्ट भी लेना चाहेंगे। 16 17 तो फिर भी रखते हैं, क्योंकि 18 जुलाई को एग्ज़ाम है, उससे 2 दिन पहले तो अपने आप को आप ज़रा रिलैक्स भी करके चलते हैं, और होना भी चाहिए। तो अब ये लेस देन 20 डेज है, इसमें और क्या आपकी एक्टिविटी रहती है, इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था आपको, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना, वो टाइमिंग तो खैर आप आपका जो शेड्यूल बन गया ठीक है, प्रॉपर नैप, नींद जरा प्रॉपर लेनी है, ठीक है बात, नींद प्रॉपर। जनरली क्या होता है रिवीजन के टाइम बहुत लंबे घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद वगैरह भूल जाते हैं, तो भाई नैप जो 8 घंटे की होती है जरूरी, वो जरूरी है। देखिए क्योंकि इसलिए होता है जैसे कि अगर नींद में डिस्टरबेंस रहा काफी, पहली बात तो है कि अगर आप 3 4 दिन प्रॉपर नैप नहीं ले पाए, वो एक्यूमुलेट हो गया, फिर पता चलता है 5वें 6वें दिन पूरा तरीके से पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, सो जाएंगे, सो भी नहीं जाएंगे तो पता चला बैठे बैठे आंख मल रही है, नींद आ रही है, आ रहा वो आ रहा है, होता है।
तो एनर्जी लेवल बनाने के लिए प्रॉपर वो जरूरी है। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो आइडियल कंडीशन होती है, मैं तो खैर शुरू से वो चीज़ फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी स्टूडेंट जैसे पूछता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मेरा वाला शेड्यूल कर लो कि सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है रात में 10 से 11 बजे सो ही जाना है। तो वो मैं इसलिए नहीं कहूँगा भी, अगर आप लोगों का शेड्यूल ऐसे बना हुआ है कि भाई रात आप 2 बजे तक पढ़ते हो और सुबह उठते हो 10 बजे, तो अभी उसी को कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं चेंज होता, क्योंकि चेंज करोगे तो और डिस्टर्बेंस आएगा और ये टाइम डिस्टर्बेंस का नहीं है। एक तो प्रॉपर इसमें नैप होनी चाहिए, एनर्जी लेवल आपका जो बना रहे, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर डाइट, देखो प्रॉपर डाइट इसलिए जरूरी है, मतलब ये नहीं है कि आप कोई फिजिकल एक्सर्साइज करने जा रहे हो, भाई कोई कुश्ती लड़ने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, इसका क्या रोल है? इसका रोल मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखो अगर हाई कैलोरी फूड ज़्यादा या वही स्पाइसी मसालेदार वगैरह जंक फूड होता है, ये एनर्जी सैपर होता है। एनर्जी लेवल तो अंदर से चूस ही लेता है, ये अंदर से जो एनर्जी होती है वो सब कर लेता है, तो उससे होता क्या है कि जैसे कि पढ़ाई करने बैठे तो थोड़ा नींद से आ रही, थकान से लग रही, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बनती। इसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर डाइट, मतलब हेल्दी डाइट हो जो आपके लिए, भाई ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से हो तो सब लोग घर पे ही, अब तो ये भी नहीं कहेंगे कि भाई हॉस्टल में हो तो ऐसा करो, या कहीं आप लोग बाहर रह रहे हो दिल्ली में या कहीं रूम लेकर अलग तो ऐसा करो, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ज़्यादातर लोग आपसे मोस्ट ऑफ बल्कि लगभग सही भी अब तो घर पर ही होंगे, तो घर पे ये काम बड़ा आसान है। थोड़ा मतलब ये है कि डाइट प्रॉपर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ अभी से खाना कम कर दो, कोई डाइटिंग शुरू कर दो, किसी का वेट बढ़ जाए, बढ़ने तो बाद में करेंगे, वेट रिडक्शन तो देखी जाएगी, लेकिन हाँ प्रॉपर डाइट का मतलब मेरा ये है कि खाना ऐसा लेकर चलो जिसमें मिनरल्स वगैरह आपको मिल जाए, घर का खाना रहे ठीक ठाक। भाई चटपटा खाने के लिए 28 जुलाई के बाद है, पार्टी कर लेना बाद में 1-2 दिन और क्या, खूब खा लेना, लेकिन इसमें क्या है अभी अगर ये नहीं रहा तो आपको नींद आने लगी, टारगेट नहीं हो पाया, रिविजन कर देते पढ़ाई नहीं, तो इससे भी फर्क पड़ता है माइंड सेट पर। कहते हैं ना बात निकलती है तो दूर तक जाती है, ये माइंड सेट तक फर्क डालता है। और उसके बारे में खैर मुझे देखो डाइटिशियन वाली बातें इतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिमाग पर सोच पर भी असर डालती हैं ये चीज़ें, कि आप क्या खा रहे हो कैसे भी, है ना। और लिटिल बिट वर्कआउट ये भी ज़रूरी है, लिटिल बिट वर्कआउट का मतलब मैं कहना चाहूँगा जैसे कि अब वॉकिंग करते हो तो वॉकिंग वॉकिंग थोड़ी सी जारी रखो, और भाई योगा वगैरह करते हैं तो ठीक है गो अहेड, जो भी मतलब हल्के फुल्के एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बस सो गए और पढ़ लिया सो गए पढ़ लिया, वो भले 15 मिनट हो 20 मिनट हो, सुबह में 10 मिनट शाम में 10 मिनट कर लो काफ़ी है, वो इतना काफ़ी है। अभी ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा भाई जिम ज्वाइन करो और ये करो और वो करो, इतना ज़्यादा नहीं, नया प्रॉपर। और ये दूसरा सोशल मीडिया, ये चीज़ तो खैर आपने कहीं से भी सुनी होगी, मैं इसमें वाले लेक्चर तो नहीं दूंगा, जनरली जो ये होता है और वो होता है, क्योंकि वो आप लोग खुद समझदार हो, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, एग्जाम देने के बाद आप फेसबुक या व्हाट्सअप ये चीज़ें कितना यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम वगैरह भी, खैर मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, आप कितना यूज़ करते हो वो अपने आपकी मर्जी है जो चाहो, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले देखो उसमें क्या होता है, जनरली इससे क्या दिमाग में इधर उधर की चीज़ें भी घूमती हैं। चलो और बाकी चीज़ें छोड़ो, पॉलिटिकल न्यूज़ अगर आपको एक जैसे कि आजकल आप पढ़ाई में बैठे हो भाई, एक फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गई कि एम्प्लॉयमेंट इतना था, अब इकोनॉमी ये डाउन हो गई, अब आगे इकोनॉमी होगी, ये दिक्कत आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वो भले सही हो लेकिन अगर नेगेटिव आ गई आपका मूड खराब कर जाएगा, तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि इसको अवॉइड करो। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, थोड़ा लगते हो कि रिलैक्स करना है तो थोड़ा लेट जाओ, कुछ घर में ही बात कर लो या फोन मिला के फ्रेंड से बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सोशल मीडिया पे मतलब वो उस पे नहीं कि अब इसमें देखने लग गए मैसेज या ये और वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, या फिर व्हाट्सएप वगैरह जैसे जो लोग करते हैं फिर उसको रिस्ट्रिक्ट रखो, नंबर ये नहीं कि सब जगह गया वो, बस 10-5 जो खास फ्रेंड है वहाँ के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया ये भी ज़रूरी है, ये आपके टाइम में आज लोग आजकल आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज है, हमारे टाइम में सोशल मीडिया वगैरह नहीं था कुछ, तो हमारे चैलेंज नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था तैयारी के टाइम, तो जब लास्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने सिविल सर्विस का उस टाइम पे था मेरे पास वो, ये जो स्मार्टफोन होता है स्क्रीन वाला, उससे पहले तो वो बटन वाला नॉर्मल ही चलता था, उसमें क्या आया मैसेज भी पेड होता था, वो टेक्स्ट मैसेज वो भी कभी कभी आता था कोई छोटा मोटा जोक आ गया, अदरवाइज तो
तो हम लोगों के साथ में चैलेंज नहीं था, आप लोगों के साथ में एक और मुश्किल है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि भाई इसे कैसे कोप अप करोगे। और एबो ऑल देखो, यहां मैं कोई स्पिरिचुअल मैसेज नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हैव डीप फेथ इन गॉड, अलमाइटी गॉड। अब देखो भाई, अगर आप में से जैसे जो लोग इस स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हो, कोई अलग किसकी सोच अलग हो, कि कोई कोई ये भी कह देता है कई बार स्टूडेंट के, मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, तो वो अलग बात है। मैं किसी से मतलब उस चीज़ में कन्फ्रंटेशन कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई हम लोग टेक्निकल टीचर हैं, स्पिरिचुअल वगैरह बातों में हमें पता भी नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग बिलीव रखते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर भी पॉजिटिव माइंड सेट का मतलब ये भी होता है कि अल्माइटी गॉड पे यकीन रखना, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हो, अब यकीन रखने वाली बात है। सीधी सी बात है भाई, जैसे कि लॉटरी लगनी है, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, मेहनत की, पैसे कमाए, लॉटरी का टिकट लिया, आगे किस्मत का काम है, लॉटरी लगने है नहीं, उसमें आप मेहनत नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप मेहनत कर चुके हो, आप तैयारी कर चुके हो, एग्जाम भी देने जा रहे हो, सब अपनी तरफ से काम कर रहे हो, भाई आगे उसमें क्या है, किस्मत का रोल होता है, बिल्कुल होता है, डेस्टिनी, मैं तो 100% मानता हूँ इसमें। लेकिन ये भी है, कहते हैं ना भाई, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी फिर जिस चीज को में हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, डेस्टिनी को, भाग्य को, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आप लोग उस बारे में मत सोचो, फिर वो क्या होगा। बस ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा ही होगा, है ना, कि क्या होगा कि भाई जो कुछ होगा, ऑब्वियसली श्योरली इट विल बी बेटर। तो खैर चलिए, एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। बाकी तो अभी जो है आगे और बातें बताएंगे जो आपके काम की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, रिवीजन आप कर रहे हो सही, बहुत अच्छी बात है, अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि देखो अगर इवन हल्का फुल्का जुकाम भी हो जाता है, जैसे मुझे आज हो रहा है हल्का फुल्का सा, तो भी आपका कम से कम 5-6 घंटे तो खराब कर देता है पढ़ाई वढ़ाई में इसमें, तो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा तो यह है कि जरा इस चीज़ में भी ध्यान रखो। वैसे तो कोरोना का टाइम में क्या आ जाता है कि भाई अपना बहुत ध्यान रखिएगा हेल्थ का, वो उससे अलग भी मैं कहता हूँ, अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं होता, जब भी मैं कहता हूँ भाई हेल्थ का ध्यान रखना इसमें। ओके, आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।